हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्लास 10 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो कोरोजन बेसिकली होता क्या है? तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, अगर उनको मॉइस्ट एयर का एक्सपोजर मिलता है तो वो कोरोड कर जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, इसको हम कोरोजन कहते हैं। पहला एग्जांपल आ जाता है इसमें कोरोजन ऑफ सिल्वर। जैसे कोई भी सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं तो अगर वो हवा में रखे रहते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। क्यों काले पड़ जाते हैं? क्योंकि एक कोटिंग बन जाती है उस पर ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की, क्योंकि जो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसके एक्शन की वजह से, उसका एक्शन सिल्वर पर होता है जिससे ब्लैक सिल्वर सल्फाइड गैस बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करता है और धीरे धीरे उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, उसका शाइनी ब्राउन सरफेस लूज़ हो जाता है और एक ग्रीन कोटिंग एक्वायर कर लेता है, क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है जिसका फॉर्मूला है CuCO3.CuOH2, जो कि ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं। आयरन अगर मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होता है लंबे समय तक तो एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग एक्वायर कर लेता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या होता है? रस्ट मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू कन्वर्जन इंटू कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बाय द एक्शन ऑफ एटमोसफेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका गोल्ड मेटल, जो कि एक येलो शाइनिंग मेटल होता है, लेकिन वो करोड नहीं करता। जब उसको हवा का एक्सपोजर मिलता है तो वो करोड नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी अनरिएक्टिव मेटल है जो कि हवा में प्रेजेंट किसी भी गैस से, मॉइस्चर से या कि अनअफेक्टेड रहता है। तो गोल्ड करोड नहीं करता, अपना जो शाइन है, अपना लस्टर है, सालों तक मेंटेन करता है, इसीलिए गोल्ड के कॉइन्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। इसी तरह से प्लैटिनम एक मेटल होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। प्लैटिनम एक वाइट कलर का मेटल होता है जिसमें एक सिल्वरिश शाइन होती है, इससे भी ज्वेलरी बनती है क्योंकि इसका जो ब्राइट शाइनी सरफेस होता है और उसका रेजिस्टेंस टू कोरोजन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइटेनियम, जो कि अनदर मेटल है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है क्योंकि एक थिन इम परमीएबल फिल्म बना लेता है टाइटेनियम ऑक्साइड की अपने सरफेस पे, जो उसे फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोरोजन ऑफ आयरन, दैट इज रस्टिंग। तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग कहते हैं। काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम रहती है, बहुत पैसा हर साल स्पेंड होता है ताकि जो डैमेज्ड आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, या फिर कार बॉडीज़ को डैमेज हो जाता है कोरोजन से, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स डैमेज हो जाते हैं और उनकी शाइन लूज़ हो जाती है, तो वो नए से नहीं दिखते, काफ़ी पुराने से दिखने लगते हैं। रस्ट काफ़ी सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और जो आयरन ऑब्जेक्ट का सरफेस है उससे फॉल करता है और उसके नीचे जो आयरन सरफेस होता है वो करोड करना स्टार्ट कर देता है। तो जो कोरोजन ऑफ आयरन है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को गला देता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो जो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, वो पहला तो हो जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर। तो आयरन रस्ट कर जाता है जब आप उसे मॉइस्ट एयर में प्लेस करते हो, रखते हो या पानी में रखते हो, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर होती है वो उसे पानी भी सप्लाई करती है और एयर भी सप्लाई करती है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट आता है आपका जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसमें कुछ डिजॉल्व्ड एयर भी होती है, तो उससे भी सारी चीज़ें सप्लाई हो जाती हैं जिससे रस्टिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है आप रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आ जाता है आप पेंट कर सकते हो, जैसे रेलिंग्स हैं, ग्रिल्स हैं, विंडोज़ हैं, आयरन गेट्स हैं, आयरन ब्रिजेस हैं, आपके कार की बॉडीज़ हैं, बस हैं, ट्रक हैं, रेलवे कोचेज हैं, इन सबको अगर पेंट कर लिया जाए तो वह आसानी से कॉन्टैक्ट में नहीं आते मॉइस्ट एयर के और रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन आपका ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग।
अगर आप कुछ ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर देते हो आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो जो मॉइस्चर और एयर होता है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आता और रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे टूल्स हैं, मशीन पार्ट्स हैं जो आयरन के बने होते हैं, तो उनको एक कोटिंग दे दी जाती है ऑयल या ग्रीस की, ताकि वो रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजेशन। तो जैसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पर मॉइस्चर की आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे रूफ़ की शीट्स हैं या पाइप्स हैं, तो उनको आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? गैल्वेनाइजेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जो आयरन, ऐसा आयरन जिसमें जिंक की कोटिंग होती है, उसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं या फिर GIB कहते हैं। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एक इनविजिबल लेयर बन जाती है बेसिक जिंक कार्बोनेट की, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3.ZnOH2, जो उसे फर्दर रस्टिंग से बचाता है। तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो रस्टिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं, इवन अगर आपकी जिंक की कोटिंग भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक अनदर मेथड है जिससे आप रस्टिंग से बचा सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे मेटल्स होते हैं टिन, निकल, आयरन, क्रोमियम, तो जो कोरोड नहीं करते उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है आयरन पर। तो इससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती और उन वो आर्टिकल्स ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगते हैं, जैसे बाथरूम फिटिंग्स हो जाते हैं या फिर आपके बाइसिकल हैंडल बार्स हो जाते हैं, कार बम्पर्स हो जाते हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम क्रोमियम की प्लेटिंग में लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है टिनिंग। टिन एक नॉन टॉक्सिक होता है, काफ़ी कम रिएक्टिव होता है आयरन से। तो फूड कैंस जो होती है उनकी टिनिंग कर दी जाती है, एक थिन लेयर टिन की लगा दी जाती है ताकि रस्टिंग ना हो। टिफिन बॉक्सेस होते हैं उनकी भी टिन प्लेटिंग कर दी जाती है, क्योंकि वो नॉन पॉइजनस होता है और वो फूड को कंटेमिनेट नहीं करता। नेक्स्ट आता है इनेमलिंग। तो जो आयरन पॉट्स होते हैं, पैन्स होते हैं, स्टोव्स, आर्टिकल्स होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, उनको हम रस्टिंग से बचाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इनेमलिंग। नेक्स्ट आता है एलॉइंग। तो आयरन को आप रस्टिंग से बचा सकते हो फ्रॉम बाय एलॉइंग। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसा आयरन है जिसकी अलॉइंग कर दी जाती है क्रोमियम और निकल से, तो इजीली रस्ट नहीं करता और उससे कटलरी बनती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और कुकिंग यूटेंसिल्स भी बनते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।